तो हेलो दोस्तों, लेकर आ गए हैं एक और जबरदस्त वीडियो। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स की, जो कि नया है इस सेगमेंट में और ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है जहाँ तक मैंने सुना है। और अगर आपकी सिटी में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर अवेलेबल है तब तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं आपके लिए अभी एंड्रॉइड टीवी कन्वर्ट करने के लिए। ये बॉक्स सिर्फ आपकी टीवी को एंड्रॉइड टीवी पे कन्वर्ट नहीं करता, उसके अलावा उसके साथ साथ ये आपकी टीवी को नॉर्मल डीटीएच बॉक्स जैसे भी यूज आता है, मतलब जो एयरटेल का डीटीएच बॉक्स आता है वो भी आपका रहेगा। और साथ में ही इसमें आपको इनबिल्ट दिया हुआ, आप इसको एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे ये पैक बहुत ही सस्ता पड़ा, 1500 रुपीज में ये मुझे पड़ गया है। और अगर मैं इसको 1 ईयर बाद रिटर्न करता हूँ तो मुझे फुली रिफंडेबल मनी है, मतलब 1500 मुझे पूरा वापस मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे एयरटेल एक्सट्रीम की बॉक्स की लगी, जो फुली रिफंडेबल मुझे तो दिया गया, गोल्ड मेंबर्स को दे रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने एयरटेल की सिम भी ली हुई है और उसमें मुझे ऑफर्स एक्चुअली मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के साथ आ रही है। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके साथ जो मुझे 1500 रुपीज़ में देखने को मिला है वो एक तो ये छतरी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर छतरी दी हुई है और उसके अलावा इस छतरी को कनेक्ट करने के लिए कुछ सामान दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं सामान यहाँ पर छतरी को कनेक्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ कुछ ये दिया गया है इसके साथ, जो छतरी के एंड पे लगता है जिससे सिग्नल कैच करता है। तो ये मैं आपको अनबॉक्सिंग के समय दिखा देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो बने रहिए, मैं इस बॉक्स की सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, सेटअप बताऊंगा और पूरा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस बॉक्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 box to rule them all। जितने भी आपकी चीज़ें सब हो पाएंगी। गूगल असिस्टेंट का सर्टिफाइड है ये, 4K इसमें अपन देख सकते हैं। एंड एंड्रॉइड टीवी की तरफ से पावर्ड है। एयरटेल एक्सट्रीम की ब्रांडिंग यहाँ पर दी हुई है। नीचे कुछ ऐप्स दिए हुए हैं जो सपोर्ट करता है ये। और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ है, हर तरफ एयरटेल की ब्रांडिंग है। पीछे कुछ फीचर्स दिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और इसका सेटअप भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये आपके सामने सील कट कर दिया मैंने बॉक्स की, और यहाँ से हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारा बॉक्स जैसे ही ओपन होता है, सबसे पहले मैं हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारे एक बॉक्स। तो ये हमारा एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स प्लास्टिक कवर के साथ ही आ जाता है हमारे सामने में। कुछ डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ, और ये कुछ बिल नंबर्स हैं। एयरटेल यहाँ पर लिखा हुआ है सामने में, एक्सट्रीम की ब्रांडिंग। और यहाँ डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है इस बॉक्स के साथ में। और ज़्यादा कुछ है नहीं, लेफ्ट साइड पे अगर हम देख लें तो यहाँ एक SD कार्ड का इनपुट है, USB इनपुट दिया हुआ है। पीछे साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इथरनेट केबल, USB 2.0 पावर सॉकेट, HDMI और ये कुछ और केबल्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है अगर डिश एंटीना को कनेक्ट करना है जो हमारा। तो ये हमारा हो गया पूरा बॉक्स का ओवरव्यू। और बॉक्स के अंदर देखते हैं हम और क्या क्या चीज़ दी हुई हैं। तो एक ये निकल कर आता है हमारे सामने में रिमोट, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिमोट है। साथ में बैटरीज भी अवेलेबल है। रिमोट का पूरा सर्टिफिकेशन और कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो इसको एक बार के लिए यहीं रख देते हैं। और इसके अलावा हमारे बॉक्स में दिया हुआ है ये एक पावर इनपुट करने के लिए हमारा जो एडॉप्टर होता है वो दिया हुआ है। और ये पिन इसके आप देख सकते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर हमारा एडॉप्टर। और बॉक्स में देख सकते हैं जैसे कि कुछ भी और नहीं दिया हुआ है, एक और केबल दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक HDMI टू HDMI केबल दिया हुआ है। और इसके अलावा जो हमें इसके साथ कनेक्शन के साथ में मिलता है वो एक ये है, जिसको हम बोलते हैं LNB। तो ये हमारे एंटीना के एंड पे लगता है। अगर आप डिश टीवी का एंटीना है, किसी भी एंटीना को देखा है, तो उसके एंड पे यहाँ पर लगा हुआ होता है, जो कि उसको देता है सिग्नल्स। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टीवी के पास जाके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर इसके इंजीनियर आए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके फ्रेम में। ये इंजीनियर यहाँ पर पूरा सेटअप कर रहे हैं जो ये वायर कनेक्शन है। अभी ये जस्ट ऊपर से इसका एंटीना भी कनेक्ट करके आए हैं एयरटेल के साथ। जो अभी मैंने आपको एंटीना दिखाया था वो सबसे ऊपर हमारे रूफ के ऊपर इन्होंने कनेक्ट किया, उसका सिग्नल इनपुट जो भी था इन्होंने ही चेक किया। इनके पास मशीन्स होती हैं। और ये नीचे आके बस इसका जो वायर है हमारे टीवी का, जो डिश एंटीना का वायर आता है, वो डायरेक्ट इसके सेटअप बॉक्स में लगा है। दूसरा वायर HDMI का जो टीवी को इनपुट देने के लिए है। और तीसरा जो हमारा एडॉप्टर था, ये एडॉप्टर लगा रहे हैं आप देख सकते हैं। ये जो एडॉप्टर है ये हमारा पावर देने के लिए एडॉप्टर है सेटअप बॉक्स को। तो ये हमारा लग गया पावर एडॉप्टर। और इसको इसकी पिन जो है उसके पीछे जो पोर्ट दिया हुआ है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पावर डिलीवरी भी स्टार्ट हो गया। तो हमारे जितने भी कनेक्शंस थे अब ये पूरे हो चुके हैं। अब इस बॉक्स का जो सेटअप है वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ।
सबसे पहले हमें होम मोड पे यहाँ पर देखने को मिल जाता है नीचे जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ चैनल्स है जो आपके नॉर्मल HD चैनल से आप चलाना चाहें, लाइव चैनल से चलाना चाहें। TV का गाइड यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर TV रीजनल एंड माइंड रिमाइंडर्स। तो ये हो गया आपके TV चैनल से रिलेटेड। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे TV चैनल सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देख लेंगे तो ये आ गया मूवी सेक्शन। मूवीज़ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ मूवी चैनल्स यहाँ पर दिख जाएंगे, हिंदी मूवी चैनल्स, रीजनल मूवी चैनल्स। तो ये आपके मूवी चैनल्स अलग से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद अगर हम चलते हैं शो पे तो शोज़ हमें यहाँ पर कुछ अलग अलग दिख जा रहे हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल और ये सब। और ये जितने भी यहाँ पर सिर्फ ये एयरटेल एक्सिस टीम का मार्क बना हुआ है, मतलब कि हमने वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है इसलिए यहाँ पर दिखा दे रहा है कि ये सब है नहीं। तो ये नॉर्मल ऐप्स के लोगों हैं जो हम HD TV पे या फिर एंड्रॉयड TV पे जो ऐप्स यूज़ करते हैं उसके लोगों हैं। उसके बाद हम ऐप्स एंड गेम्स पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी हमको क्वेश्चन दिखाई, क्योंकि यहाँ पर हमको बेसिकली बोल रहा है कनेक्ट टू वाईफाई, हमारा भी इंटरनेट कनेक्शन इसमें एडेड नहीं है तो मैं पहले जल्दी से उसे ऐड कर देता हूँ। अब हमने कर वाईफाई कनेक्ट और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमारे पास ऑप्शन है प्राइम वीडियोज़ के या फिर गूगल प्ले स्टोर से हम ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के सारे ऐप्स अबाउट दिए गए हैं। हम एक बार यूट्यूब ऑन करके आपको दिखा देते हैं। स्पीड इसके रिमोट का जो रिस्पांस रेट है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर कोई बटन प्रेस करते हैं ये तुरंत उसे कैच करता है। रिमोट के फंक्शंस मैं आपको बता दूँ, ये TV का बटन है, आप यूनिवर्सल रिमोट जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने TV के साथ में कि आपका TV का बटन बन जाएगा, TV से ऑन ऑफ हो जाएगी। ये बॉक्स का रिमोट, मतलब आप अपने जो ये एयरटेल एक्सिस सिस्टम बॉक्स है उसके लिए अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें। उसके बाद ये AV का दिया गया सोर्स के लिए, TV के सोर्स के लिए। यहाँ पर आप लाइव TV वॉच करने का डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। गाइड है, यहाँ रिकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर हम नीचे देख लें तो यहाँ पर ये 4 बटन दिए हैं ऊपर नीचे करने के लिए, ओके करने के लिए। यहाँ पर गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, मेनू का बटन, ये बैक का, वॉल्यूम प्लस माइनस, होम बटन, चैनल आगे चैनल पीछे। उसके बाद यहाँ 3 डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियोज़ के लिए। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 नंबर दिए गए हैं। तो ये आप एक आपका जो बेसिक रिमोट अभी तक अगर आप डिश TV के यूज़र या एयरटेल के यूज़र पहले वाले या फिर कैसे भी रिमोट यूज़र हैं तो एक बेसिक से आपको यहाँ पर नंबर पैड भी मिल गया है, जिसकी वजह से आपके लिए चैनल्स के नंबर डालने में थोड़ी ईज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ आ गए हैं, तो इसे अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले इस पर सर्च कर लेते हैं, प्ले सौभाग्य जिंदल ऑन YouTube। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे एक कमांड दिया गूगल को यूज़ करते हुए और उसने तुरंत उसे लेके यहाँ पर प्ले कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लिया पता नहीं वॉइस असिस्टेंट, लेकिन जब बॉक्स न्यू होता है तो आप इसको गलत मत समझिए, बॉक्स जब न्यू होता है तब ये कुछ इश्यूज़ आते हैं 1-2 दिन के, लेकिन विद इन 48 आवर्स जब आपकी पूरी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं तब फिर जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। क्लियरली कितना ही ज़्यादा क्लियर ये आपको वीडियो दिख रहा है, इसी बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं। मेरी TV सिर्फ 1080p तक सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी आज तक मैंने इससे पहले इतनी क्लियर क्वालिटी इस TV पे कभी नहीं देखी। 4K अल्ट्रा HD में क्या क्वालिटी आ रही है आप देख सकते हैं, बफरिंग हो रही है क्योंकि हमारे पास वाईफाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इतने पास लेकर इसके पिक्सल्स भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपके TV के जो ऊपर का स्क्रीन लेयर होता है वो दिखने लग रहा है, लेकिन इसके पिक्सल ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। तो यही होता है 4K का मजा एक TV में। और ये बहुत ही मज़ेदार बॉक्स है जो बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एयरटेल एक्सस्ट्रीम का मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक 4K बॉक्स परचेज करना चाहते हैं। इसी में आपको DTH चैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आपको DTH चैनल्स भी इसमें दिखा देता हूँ कैसे प्ले करना है आपको। ये जैसे ही TV के नीचे जो लाइव का ऑप्शन दिख रहा है आप प्रेस करते हैं ये लाइव वाला बटन, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लाइव चैनल से स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम कुछ भी चैनल चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये दिया हुआ है हमको। असल में यहाँ पर वाईफाई के ऑप्शंस हैं कुछ हमारे पास, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन और ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में हम नीचे जाके देखेंगे, फेवरेट का ऑप्शन है वाईफाई, ब्लूटूथ, IP एड्रेस एंड एंड्रॉयड सेटिंग्स। तो एंड्रॉयड सेटिंग्स पे जब हम ओके करते हैं तो यहाँ पर हमको 2-3 सेटिंग्स मिल जाती हैं, फिनिश सेटिंग अप योर TV, नेटवर्क एंड इंटरनेट, रियलमी एक्स एंड प्रो 5G, एप्स के कुछ दिख गया था, डिवाइस प्रेफरेंसेज एंड रिमोट्स एंड एसेसरीज। तो डिवाइस प्रेफरेंसेज में हम जब जाके देखेंगे तो यहाँ पर अबाउट, टाइम, लैंग्वेज, अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ, साउंड, सिस्टम साउंड्स आप ऑन कर सकते हैं यहाँ पे।
बेसिकली फ्रेंड्स यही था इस एक्सट्रीम बॉक्स का पूरा रिव्यू और अनबॉक्सिंग। मुझे ये बॉक्स पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके जो पैक्स हमको मिलते हैं वो बाकी किसी जनरल जो पैक्स हम अवेलेबल है मार्केट में उससे बहुत अच्छे ही दिए जा रहे हैं और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लगी। यही तो फ्रेंड्स इस वाले पूरे जो सेटअप बॉक्स है इसका पूरा रिव्यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।